कैमरा थोड़ा हाँ वेरी गुड साइड लो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज नाम से पता चलता है सब सब बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ गए फिर अचानक से याद आया उनको कि स्कूल में कुछ अधूरा छूट गया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एवरीवन कम्स बैक टू द स्कूल यही हम हमारे कास्ट के थ्रू हमारे कहानी के थ्रू बच्चों बूढ़ों जवान सबको वापस से स्कूल डेज से हम कनेक्ट करवाना चाहते हैं सिर्फ स्कूल डेज ही नहीं बल्कि इमोशन फील मुखर्जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ और ये जो शो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है डेली सोप्स उससे बहुत हटके है तो आप लोग सब रिलेट करोगे इससे क्योंकि एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू देयर स्कूल लाइफ सबके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सबकी कमिटमेंट होती है स्कूल लाइफ में अरे सीरियल में आपको आपकी ज़िंदगी का पूरा रस मिलेगा पूरा सार मिलेगा देखने के लिए हर एक इमोशंस जो हम डेली लाइफ जीने के चक्कर में हम भूल चुके हैं कि बचपन में हमने कितनी मस्तियाँ की है कितनी बदमाशियाँ की है वो पूरा एक मेल मिलेगा आपको देखने के लिए रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में तो ओवरऑल आपको डिफरेंट शेड्स मिलेंगे इसमें बहुत सारी इमोशंस है फुल ऑफ इमोशंस है मस्ती है मजाक है फिर या ओवरऑल आपको सब कुछ एक फुल इमोशन राजा सेटल कर लेता हूँ नमस्ते मेरा नाम दामिनी दवे है और मैं शो में एना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और शो का नाम है अजब सास की गजब बहू एना जो है वो फॉरेन रिटर्न है और घर में जो मेरी सास है वो नेशनल है और मैं इंटरनेशनल हूँ जब ये देसी और विदेशी मिलते हैं तो उनमें बहुत तकरार होती है बट हमारे जो शो की जो सास बहू की जो नुकझोंक है ना वो बहुत क्यूट और बहुत स्वीट है ऐसे जैसे आप नॉर्मल सास बहू का जो शो देखते उसमें रोना सास की गजब बहू लेकिन सब कुछ बहुत ही मज़ेदार और गुदगुदाने वाले में वो ऐसा कुछ नहीं है नागिन टाइप की मतलब या टिपिकल नेगेटिविटी नहीं है सिर्फ सब कुछ हंसी मजाक में है गुदगुदाने वाले ऑडियंस को भी मज़ा आएगा क्योंकि अगर आप लकी है आपको मुझ जैसी सास मिल जाए नहीं तो कई बार सास कैसी भी होती है लेकिन बहू अगर अच्छी हो तो बहू सास के साथ निभाती है और इंडियन टेलीविज़न पे तो है ही हर भारतीय का सपना आज हर भारतीयों का सपना सा चैनल के बारे में यही एक नया चैनल है इंटरटेनमेंट चैनल है जैसे बाकी इंटरटेनमेंट चैनल्स चल रहे हैं हालांकि हम बहुत नए हैं देखिए परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके लिए सारे बच्चे एक तरीके से होते हैं तो हमारे साथ प्रेक्षकगण और भाइयों बहनों इंटरटेनमेंट टेलीविजन है जिसका नाम आज की सुहानी शाम मोबू टीवी के नाम हाँ जी आज की सुहानी शाम मोबू टीवी के नाम मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 31 जुलाई 2018 को लॉन्च हुए मोबू टेलीविजन जनरल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मोबू टेलीविजन चैनल मोबू टीवी हर भारतीय का सपना सो प्लीज गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मोबू टीवी एंड द टीम ऑफ मोबू टीवी सो मैं मोबू टीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स श्री नरसी वसानी और मनीष श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ प्लीज आइए और दीप प्रज्वलित कीजिए प्लीज सर नमः गणपति मनीष श्रीवास्तव जी की जुबानी मोबो टीवी के फाउंडर डायरेक्टर नरसी वसानी जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले देखते हैं उनकी जीवनी सभी प्रकार के सभी एज के लोगों के लिए जो जो उनकी सोच है वही हम यहां पर टीवी पे बताना चाहते थे
जैसे आपने देखा आगे कि हमारे जो भी प्रोग्राम है कुछ अलग ही तरीके के प्रोग्राम है, कोई भी एक दूसरे के रिलेटेड कोई नहीं है। एक चाहे बच्चा है तो बच्चे के प्रकार का प्रोग्राम है, सास बहू का है तो सास बहू का प्रकार का प्रोग्राम है। मनीष सर, राह थोड़ी मुश्किल है लेकिन हम देखते हैं, हम लगे हुए हैं। बाकी व्यूवर्स कैसा देते हैं, आप मीडिया बंधु हमारे चैनल को कैसा ले जाते हैं, उन पर डिपेंड है। थैंक यू ऑल। मोबो टेलीविजन चैनल की शुरुआत, मोबो टीवी का अब तक का सफर, इस सफर में एक्ट्रेस मानी शिवपुरी, किशोरी आंबे, आर के दत्ता, राइटर जिग्नेश जगताप, हितेश उपाध्याय, अंकिता खरे, सारे कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज आप सभी लोग मंच पर आइए। कमर्शियल प्लेस में एंटरटेनमेंट में कदम रखा और गुजराती फिल्में, दूरदर्शन की टीवी सीरियल्स, अचानक एक महल और सपनों का, रजनी और दूरदर्शन के जैसे टीवी सीरियल्स और इन सब सीरियल से नाम कमाया। वो अजब सास की गजब बहू के निर्देशक विद्युत शाह, मैं आपसे निवेदन करूंगी कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें। इन लाइफ सब छोड़ के स्कूल कैसे चले जाएं? ये सवाल आपके दिमाग में आना वाजिब है, पर हम अपने नए शो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज के माध्यम से आपको आपके स्कूल वापस ले जाएंगे। रिटर्न ऑफ स्कूल डेज एक ऐसी कहानी है जिसमें स्कूल में किए हुए वादे को निभाने के लिए 9 दोस्त वापस आते हैं। बदमाशियां, दोस्ती, सबकी याद आई होगी, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। थोड़ा समय का पाबंदी है, अदरवाइज मैं सबके नाम ले लेती। प्लीज रिटर्न ऑफ स्कूल डेज की पूरी टीम प्लीज स्टेज पर आ जाइए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जाने कहां गए वो पल, आओ चले फिर से उस पल, सो गया फिर तेरी को। ओह माय गॉड, रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, रिटर्न ऑफ स्कूल ऑल। एक कोशिश की हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने कुछ ऐसा बनाने की जो हम लोगों ने शायद इंडियन कल्चर में हम सब ने किया है, दोस्ती की। मेरी शक्ल देख के आपको लगता होगा कि मैं कितना शैतान हूँ। सो लेट्स सी कैसी होती है जर्नी और कैसी चलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई थैंक ईच एंड एवरी वन मेंबर ऑफ रिटर्न ऑफ स्कूल। क्यों दोस्तों, आपको स्कूल की याद आई ना, खो गए थे ना थोड़ी देर के लिए अपने स्कूल की यादों में। चलिए।